नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्स नीदरलैंड के बीच में जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का 40वां मुकाबला खेला जाना है उसकी। और भाइयों, इस मैच में क्या होने वाला है, कौन से प्लेयर्स इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है, कैसे आपको इस मैच में टीम बनाना है, क्या रहेगी पिच रिपोर्ट, क्या रहेगी दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11, सब कुछ ए टू जेड आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। और भाइयों, वर्ल्ड कप आपके भाई का नाम रहा, इस वर्ल्ड कप में आपके भाई का सिक्का हर मैच में चल रहा है, आपका भाई धमाका हर मैच में कर रहा है। यकीन नहीं है, आप मेरी सारी की सारी लाइन से वीडियो देख लो, आए दिनों मेरे बंदे ही 2-2 करोड़ रुपए उठा रहे हैं। और परसों के दिन मैच हुआ था बांग्लादेश का भाई, उसमें मेरा ही बंदा माई 11 सर्कल पे फर्स्ट रैंक आया था, महिंद्रा थार बाइक स्मार्ट टीवी 27 लाख रुपए लेके गया था। और कल की वीडियो में मैंने प्रूफ भी दिखाए थे, तो कल की वीडियो देख लेना अगर नहीं यकीन नहीं हो तो। भाई मैं तो बोलता हूँ मेरे कहने पे, एक बार आप मेरी सारी की सारी लाइन से वीडियो देख लो, बैक टू बैक सारी वीडियो देख लो भाई, हैरान हो जाओगे, अचंभित हो जाओगे कि इतना सटीक कोई कैसे बता सकता है। ठीक है, आपका भाई बता रहा है वर्ल्ड कप मेरा फेवरेट टूर्नामेंट है। एशिया कप जब चल रहा था ना, तभी मैंने बोला था वर्ल्ड कप आ जाने दो, गिन गिन के थक जाओगे, इतनी ग्रैंड लीग स्पिनिंग कराऊंगा, झड़ी लगा दूंगा, बरसात कर दूंगा। और वही कर दिया है आपके भाई ने, जो कमिटमेंट दी थी उसको पूरा कर दिया है। वैसे मैंने कमिटमेंट दी थी कि भाई वर्ल्ड कप आने तो 10+ मैचों में ग्रैंड लीग जिताऊंगा। भाई 39 मैच हुए और आपके भाई ने 30-35 मैचों में ग्रैंड लीग विनिंग करवा दी है। यकीन नहीं है, सारी वीडियो देख लो, एक दिन पहले का रिजल्ट मैं वीडियो में दिखा देता हूँ। तो कल महिंद्रा थार वार सब जीता था मेरा बंदा, उसमें मैंने प्रूफ दिखाए थे कल की वीडियो में। ठीक है भाइयों, बाकी भाइयों आज का मैच भी बड़ा ही जबरदस्त रहने वाला है भाइयों। आज मैं आपको 10 प्लेयर कंफर्म बता दूंगा जो ड्रीम टीम में आएंगे, बस एक प्लेयर टॉस के बाद आपको लेना है, तो मतलब पूरी की पूरी ड्रीम टीम बता रहा है आज आपको आपका भाई। ठीक है, और पता चल रहा है एक हाथ प्लेयर फ्लॉप हो जाए तो एक हाथ चेंज करके, भाई वही करते हैं बंदे, मेरी टीम में एक एक प्लेयर चेंज करते हैं और ग्रैंड लीग में 2-2 करोड़ रुपए उठाते हैं, माई 11 सर्कल पे थार उठाते हैं, 27 लाख उठाते हैं, विजन 11 पे ग्रैंड लीग विन करते हैं। मतलब आपके भाई ने इस वर्ल्ड कप में ऐसा मतलब धमाका किया है कि ना किसी ने सोचा होगा, ऐसा कोई नहीं सोच सकता होगा कि भाई यार मतलब कोई इतना सटीक कैसे बता सकता है कि हर मैच में ही 2-2 करोड़ रुपए विन करवा दे। तो भाई ऐसे कारनामे आपके भाई ने करे इस वर्ल्ड कप में, आज के मैच में भी कारनामा देख लेना, आज के मैच में भी आपका भाई कीर्तिमान रचने वाला है गारंटी। ठीक है, आज के मैच में भी आपका भाई तूफान मचाने वाला है। ठीक है भाई, बाकी कल मैंने ऑफर भी दिया था, तो यार अगर आप भाई रह गए हो ऐड करने के तो भाई आ जाना है ना, बता दूंगा आपको आगे। तो बताई दिया आज का मैच कितना जबरदस्त है, तो अब सीधे बात करेंगे आज के मैच में होने वाला क्या है, क्या रहेगी पिच रिपोर्ट, क्या रहेगी दोनों टीम्स की प्लेइंग 11, किसको लेना है, किसको हटाना है, कैसे टीम्स बनाना है। सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, आज बड़े दिनों बाद वीडियो में बाल जमा रहा हूँ। चलो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की मैच की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो भाइयों, महाराष्ट्र में मैच खेला जाएगा पुणे के ग्राउंड में, और इस पिच पे होता क्या है समझ लो, पिच रिपोर्ट सुनकर ही ग्रैंड लीग जीत जाओगे, इतनी बड़ी बात। चलो सुन लो पिच रिपोर्ट पे होने वाला क्या है। तो भाइयों, इस पिच पे आज आपको फास्ट गेंदबाजों का बोलबाला दिखाई देने वाला है। कौन से फास्ट गेंदबाज वो मैं आपको बता दूंगा, कौन से फास्ट गेंदबाज। ठीक है, तो फास्ट गेंदबाजों को तो हेल्प मिलेगी, बाकी देखो भाइयों ये ग्राउंड खुला है, ठीक है, पेक नहीं है, खुला है, हवा चलती है, तो हवा में बॉल स्विंग होगी तो फास्ट गेंदबाज को हेल्प मिलेगी। ये तो बात आपको मैंने अच्छे से समझा दी, आप भी समझ गए कि हाँ फास्ट गेंदबाजों को इस मैच में हेल्प मिलने वाली है, फास्ट गेंदबाज आज के मैच में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कौन से रहेंगे वो मैं आपको टीम बनाते हुए बताऊंगा कि ये फास्ट गेंदबाज इस कंडीशन में विकेट लेगा, इतने लेगा, कितने लेगा, वो मैं बता दूंगा आपको टीम बनाते हुए। बाकी भाइयों 2 बजे मैच स्टार्ट होगा, तो 2 बजे क्या होता है, कड़ाके की धूप निकलती है, 2 से लेके 5 का टाइम रहता है, इसमें स्पिनर्स को तगड़ा टर्न मिलता है ड्राई पिच पे,
क्योंकि धूप की वजह से पिच रहती है ड्राई, और ड्राई विकेट पे स्पिनर्स की बॉल होती है टन, और उस कंडीशन में मिलते हैं स्पिनर्स को विकेट्स। तो फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स इम्पोर्टेंट रहेंगे, ये भी ध्यान रखना। बाकी भाइयों सेकंड इनिंग में थोड़े ज़्यादा फास्ट बॉलर्स इम्पोर्टेंट रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको सेकंड इनिंग के भी स्पिनर समझा दूंगा कि हाँ भाई इनको सेकंड इनिंग में भी आपको लेना है। बल्लेबाज कितने लेना है भाई, देखो इस मैच में मलान, रूट, बेरेस्टो, बटलर, बेन स्टोक्स, ये सबकी टीम में रहने वाले हैं, जितनों के नाम मैंने आपको बताए। एक को भी नहीं लेने वाला हूँ। हाँ भाइयों क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे पास में इस मैच के कन्फर्म 10 प्लेयर हैं जो इस मैच में चलने वाले हैं। अब पूछोगे क्यों, तो वो मैं आपको टीम बनाते हुए बताऊंगा, ठीक है भाइयों। तो पिच रिपोर्ट समझ में आई आपको। देखो भाइयों दिन में मैच खेला जाएगा, धूप की वजह से फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को अच्छा टर्न मिलेगा, बाकी सेकंड इनिंग में अंडर लाइट में बॉल अच्छी लहराती है, खुला ग्राउंड है, हवा चलेगी, शाम के टाइम पे ज्यादा हवा चलती है, तो सेकंड इनिंग में फास्ट गेंदबाजों को अंडर लाइट में अच्छी खासी स्विंग मिलने वाली है, शाम के टाइम पे हवा भी चलेगी। बाकी फर्स्ट इनिंग में ज्यादा फास्ट गेंदबाजों को हेल्प नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी फर्स्ट इनिंग के जो डेथ ओवर्स के गेंदबाज रहेंगे, जो इस मैच में आपको फर्स्ट बॉलिंग करते हुए डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सब कुछ ही मैं बता दूंगा आपको, पूरा मतलब तैयार कर दूंगा आपको इस मैच में ग्रैंड लीग विन करने के लिए, बस फिर आपको टीम बनानी है ना। वैसे मैं आपको इस मैच में कंफर्म प्लेयर भी बताने वाला हूं कि हाँ भाई ये इसलिए चल जाएंगे। तो पिच रिपोर्ट के साथ में आपको प्लेयर्स के बारे में भी पता चलने वाला है भाइयों कि इस पिच पे ये प्लेयर अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पिच रिपोर्ट समझ में आई, अब बात करेंगे सीधे आज के मैच की टीम के ऊपर, क्या मेरी टीम रहने वाली है। तो सीधे ले चलता हूं आपको मैं ड्रीम इलेवन पे, वहीं पे मैं आपको आज के मैच की टीम बना के बता देता हूं। ओपन हो गया है भाइयों ड्रीम इलेवन, तीन टीम मैंने आपके लिए रेडी रखी है, दो ग्रैंड लीग की एक स्मॉल लीग की। चलो बता देता हूं आखिर मेरी टीम रहने वाली क्या है। तो भाइयों सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शन में कि कौन कौन खेलने वाला है। तो भाइयों तीन विकेट कीपर आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, बटलर, वेरिस्टो और स्कॉट एडवर्ड। इस मैच में देखना, बटलर को भी सब लेंगे, वेरिस्टो को भी सब लेंगे, एडवर्ड को सब लोग ड्रॉप करेंगे, पर भाइयों मैं आपको बता दूं मैं सिर्फ एडवर्ड को ही लेने वाला हूं। अब बोलोगे भाई क्यों ले रहे हो ये तो बताओ, तो भाई उसका रीज़न ये है कि इंग्लैंड की टीम के खिलाफ राइट हैंडर्स हमेशा रन बनाते हैं, क्योंकि इनकी टीम में लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है, तो खतरा नहीं रहेगा एडवर्ड को, और एडवर्ड उसी टाइम पे बैटिंग करने आएगा जिस टाइम पे स्पिनर्स बॉलिंग आपको डालते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो स्कॉट एडवर्ड साथ में विकेट कीपरिंग भी करेगा। देखो भाइयों नीदरलैंड का प्लेयर सोच के सब लोग छोड़ रहे हैं इसको, मैं आपको बता दूं ये नीदरलैंड से खेल रहा है, कप्तानी कर रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर रह चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखो इंग्लैंड वास ऑस्ट्रेलिया विकेट कीपर सेक्शन में, तो मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ में जाऊंगा, स्कॉट एडवर्ड के साथ में जाऊंगा, टीम का कप्तान है, कप्तानी पारी भी आपको संभली खेलता हुआ दिखाई दे सकता है, और लास्ट मैच में अंडा भी देके गया था, तो भाइयों इस मैच में दो अंडे के आगे एक लग सकता है, ठीक है, मतलब 100। तो स्कॉट एडवर्ड आज के मैच में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, सब लोग ड्रॉप करेंगे, पर मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि सामने वाली जो इंग्लैंड की टीम है उनमें लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है। तो समझ गए स्कॉट एडवर्ड कितना इंपॉर्टेंट है आज के मैच में, विकेट कीपरिंग से पॉइंट दिलाएगा, कैच स्टंपिंग करके साथ में आपको बैटिंग से भी तगड़ा काम आपको इस मैच में करता हुआ दिखाई देने वाला है। बाकी बात रही भाइयों बटलर और बेरेस्टो की, तो भाइयों दोनों का फॉर्म बहुत गंदा चल रहा है, गंदी गंदी टीमों के खिलाफ भी 0-0 पे जा रहे हैं, तो भाई नीदरलैंड के पास तो बॉलिंग तगड़ी है, तो मैं दोनों को ही ड्रॉप करने वाला हूँ। बाकी हाँ आप चाहो तो बेरेस्टो को जरूर ट्राई कर सकते हो, वो किस कंडीशन में पहले बैटिंग करती है उस कंडीशन में, अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रहा है तो आप चाहो तो बटलर को भी ले सकते हो या फिर बेरेस्टो को भी ले सकते हो। अब बोलोगे भाई ऐसा क्यों, तो भाई देखो मैं बोलूँगा कि बेरेस्टो को ले सकते हो ज़्यादा सही रहेगा, वो इसलिए क्योंकि देखो भाई पावर प्ले में कौन कौन बॉलिंग डालता है, कौन बॉलिंग डालता है मालूम है आपको, चलो मैं बता देता हूँ आपको, पावर प्ले में आर्यन दत्त और वेन विक ये दोनों बॉलिंग डालते हैं। तो बेरेस्टो आर्यन दत्त को तो आराम से खेल लेगा क्योंकि वो ब्रेक गेंदबाज है और ये राइट हैंडर बल्लेबाज है, तो एडवांटेज मिल सकता है स्पिनर को मारने का बेरेस्टो को।
बाकी पता चल रहा भाई लोगन वेनविक की बॉल पे आउट हो गया, तो एक रिस्क भी रहेगा लेकिन हाँ चलने के ज्यादा चांसेस रहेंगे क्योंकि आर्यन दत्त रहेगा बॉलिंग पे, तो आपको बेरिस्टो अच्छा काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी बटलर भाई वो आउट ऑफ फॉर्म है और थोड़ा सा रिस्की ही रहेगा, चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, पता चल रहा है पूरे वर्ल्ड कप में नहीं चला, आज चल रहा हूँ तो आप ट्राई भी कर सकते हो, क्योंकि देखो भाई न्यूजीलैंड नीदरलैंड थोड़ी सी वीक टीम है, हो सकता है बटलर आज अपने दाव पेज दिखा दें, तो आप ट्राई भी कर सकते हो, पर मैं ड्रॉप करूँगा, मैं बेरिस्टो को भी ड्रॉप करूँगा क्योंकि भाई इन दोनों का फॉर्म सही नहीं है, इनको लेना मैं बहुत भरोसा कर चुका हूँ इसे इस बार। बाकी हाँ इंग्लैंड के जितने मैच हुए सभी मैचों में आपके भाई ने ग्रैंड लीग विनिंग प्रेडिक्शन दिया है, जितने नीदरलैंड के मैच हुए सभी मैचों में आपके भाई ने ग्रैंड लीग विनिंग प्रेडिक्शन दिया है, तो दोनों ही टीमें मेरी फेवरेट हैं इस वर्ल्ड कप में। साउथ अफ्रीका मतलब यार इंडिया, इंडिया के जितने मैच हो रहे हैं हर मैच में ग्रैंड लीग जितवा रहा हूँ यार, मैं क्या बोलूँ, मतलब ऐसा कोई सा मैच नहीं जा रहा जिसमें आपका भाई का प्रेडिक्शन वर्क नहीं कर रहा है, और ऐसा नहीं कि बस स्मॉल लीग जीत लो, डायरेक्ट 2 करोड़ रुपये जीतने वाला प्रेडिक्शन देता है आपका भाई। तो यहाँ से विकेट कीपर में मैं एडवर्ड को ले रहा हूँ, बाकी और किसी को नहीं ले रहा हूँ। अब चलते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो भाई बैटिंग सेक्शन में आ गए, बात करेंगे कौन कौन खेलने वाला है पानी पीने के बाद। तो भाई आपको इस मैच में बेन स्टोक्स खेलता हुआ दिखाई देने वाला है इंग्लैंड की तरफ से, चौथे से पांचवें नंबर पे आपको बैटिंग भी करता हुआ दिखाई देने वाला है बेन स्टोक्स, जो रूट आपको इस मैच में खेलता हुआ दिखाई देगा, वन डाउन बैटिंग करता हुआ दिखाई देगा, राइट हैंडर बल्लेबाज है एस एंगल ब्रेज, राइट हैंडर बल्लेबाज पांचवें से छठे नंबर पे आपको खेलता हुआ दिखाई देगा नीदरलैंड की तरफ से। डेविड मलान लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आपको बेरिस्टो के साथ में ओपनिंग करता हुआ दिखाई देगा इंग्लैंड की तरफ से। मैक्स ओडाउड आपको ओपनिंग करता हुआ दिखाई देगा नीदरलैंड की तरफ से, राइट हैंडर बल्लेबाज। वेस्ले बैरिसी ये भी आपको लास्ट मैच में ओपनिंग आ गया था शायद, हाँ ओपनिंग आया था क्योंकि विक्रमजीत सिंह नहीं था, तो आपको इस मैच में भी हो सकता है वेस्ले बैरिसी ओपनिंग करता हुआ दिखाई दे। ठीक है भाइयों, तो सब कुछ मैंने बता दिया आपको कि कौन कौन खेलने वाले हैं, अब बात करेंगे भाई मैं लेने वाला किसको हूँ और क्यों। तो भाइयों मैं आपको बता दूं कि इस मैच में मैं सिर्फ एक ही बल्लेबाज लेने वाला हूं, उसका नाम है एस एंगल ब्रेज। अब इसको क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये भी राइट हैंडर बल्लेबाज है, इसका फॉर्म भी बड़ा ज़बरदस्त, इंग्लैंड में नहीं है कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो भाइयों एंगल ब्रेज भी आपको इस मैच में तगड़ा काम करके दे सकता है। और प्लस एक बात मैं आपको बता दूं कि ये भी उसी टाइम पे आएगा जिस टाइम पे आदिल राशिद मोइन अली लिविंगस्टोन बॉलिंग डालेंगे, तो भाई उनको अच्छे से मार सकता है आज के मैच में, क्योंकि स्पिन का डर नहीं रहेगा और उसी टाइम पे आएगा जब स्पिनर बॉलिंग आपको इस मैच में डालते हुए दिखाई देंगे। तो ये सिंगल ब्रिज के बारे में समझा दिया, समझ गए, बहुत तगड़ा है इस मैच में, सब लोग ड्रॉप करेंगे, ग्रैंड लीग में भी लेना मैं बोलूँगा, स्मॉल लीग में भी आप इस पर रिस्क लेके चलना। ठीक है भाइयों, तो ये सिंगल ब्रिज का बता दिया मैंने आपको। बाकी बात की जाए बेन स्टोक्स को क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो आर्यन दत्त और कोलिन एकरमन दो दो ऑफ स्पिनर गेंदबाज है, बेन स्टोक्स ऑफ स्पिन के खिलाफ आउट होता है, हमेशा आउट होता है, और इसके अलावा इनके पास में बेस्ट डी लीडे लॉगिन वेन वीक और उसके अलावा पॉल वेन विक्रेन फास्ट गेंदबाज भी अच्छे हैं इनके पास में जो लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो बेन स्टोक्स को मैं ड्रॉप ही कर रहा हूँ। जो रूट भाई इसका फॉर्म भी बेकार है, ये स्पिन के खिलाफ भी जा रहा है, आया क्यों है खेलने समझ में नहीं आ रहा है, जो रूट भाई कुछ कर ही नहीं रहा है इस मैच में भी, बहुत ही मुश्किल है कि चल पाए, क्यों क्योंकि देखो भाई रिलो पॉइंटर मार्ग साथ में एस जुल्फिकर दो दो लेफ्ट आर्म स्पिनर, और क्या है कि इनके जो फास्ट गेंदबाज है नीदरलैंड के वो भाई जब साउथ अफ्रीका को ढेर कर देते हैं, तो ये आज इंग्लैंड वैसी आउट ऑफ फॉर्म है, ये वाली इंग्लैंड नहीं है जो 2019 का वर्ल्ड कप जीती थी और अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो जीती थी, ये वो इंग्लैंड नहीं है, ये इंग्लैंड बहुत बुरी तरह हार रही है हर मैच को। तो भाई आज हो सकता है नीदरलैंड भी पचा दें, क्योंकि नीदरलैंड के ज़्यादा प्लेयर्स मुझे आज के मैच में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो रूट का भी भाई वो डर है क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म है, और क्या है कि रिलो पॉइंटर मार्व आर्यन दत्त कोलिन एकरमन बेस डी लीडे लॉगन वैन विक गेंदबाज अच्छे हैं नीदरलैंड के पास में, तो जॉय रूट को भी मैं ड्रॉप ही करने वाला हूं। बाकी भाइयों बात की जाए डेविड मलान की, तो भाइयों डेविड मलान भी आज के मैच में आपको बहुत रिस्की प्लेयर रहने वाला है बैटिंग सेक्शन में, बोलोगे क्यों, क्योंकि भाई देखो आर्यन दत्त बॉलिंग डालता ही इसलिए पावर प्ले में कि वो लेफ्ट हैंडर्स को आउट कर दे, तो आर्यन दत्त
देविड मलान का विकेट आराम से इस मैच में आपको निकालता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों ही कंडीशन में देविड मलान आज के मैच में रिस्की रहने वाला है। देखो, अगर अंडर लाइट में बैटिंग कर रही इंग्लैंड तो फास्ट गेंदबाज की बोल भी जा सकता है, क्योंकि स्विंग मिलेगी अच्छी। ठीक है, जो रूट भी सेकेंड इनिंग में अंडर लाइट में जा सकता है, क्योंकि फास्ट गेंदबाजों को स्विंग अच्छी मिलेगी। बाकी मलान को आउट करने के लिए दो दो ऑफ स्पिनर है, कोहली नेकरमन और आर्यन दत्त। भाई ये लेफ्टियों को नहीं छोड़ते हैं नीदरलैंड वाले, लेफ्टी इनको चाहिए ही चाहिए। लेफ्टियों के विकेट इतने जल्दी चटका देते हैं, याद है डिको, याद है कौन वे, मतलब इनके सामने जब भी लेफ्टी आया है नहीं चल पाया है। वार्नर ने मारे थे लेकिन वार्नर को जीवनदान कितने मिले थे ये भी देखो। ठीक है, तो नीदरलैंड के खिलाफ लेफ्ट हैंडर्स के रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, इसलिए मैं मलान को ड्रॉप कर रहा हूँ, स्टोक्स को ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी रूट का फॉर्म सही नहीं, इसलिए ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी चाहो तो रूट को आप ट्राई कर सकते हो, खासकर फर्स्ट बैटिंग में। सेकंड बैटिंग में मैं बोलूँगा ड्रॉप ही करो, क्योंकि फॉर्म सही नहीं है। और भाई देखो, शू शाह बॉल लहराएगी सेकेंड इनिंग में तो स्विंग में फंस जाएगा। ठीक है, अंडर लाइट में आज हवा चलने वाली है, शाम के टाइम पे हवा चलती है, यहाँ पे खुला ग्राउंड है, स्विंग मिलेगी फास्ट गेंदबाजों को सेकंड इनिंग में, तो हो सकता है फास्ट गेंदबाज की बॉल भी चला जाए। बाकी जो रूट को आउट करने के लिए रिल ऑफ वंडर मार्क एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी इनकी टीम में खेल रहा है, तो रूट को भी मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। मैक्स और डाउट को आप इस मैच में ट्राई कर सकते हो, पर भाई इसका यार सही नहीं है, बस लास्ट मैच में ही चला है, उसके पहले सभी मैचों में फ्लॉप गया है। वैसे राइट हैंडर होने का इसको भी एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन भाइयों पावर प्ले में डेविड विली, क्रिस वॉक्स अच्छे गेंदबाज है, स्विंग के किंग है, अच्छी दोनों तरफ से स्विंग कराते हैं, इन स्विंग आउट स्विंग, और यॉर्कर फोर्कर फुलटॉस वुलटॉस बाउंसर फाउंसर सब मारते हैं। मतलब मिक्स डाउट पे थोड़ा सा मुझे डाउट है कि इस मैच में कुछ कर पाए। ठीक है, तो मैं ड्रॉप ही कर रहा हूँ, वैसले बेरिसी को भी ड्रॉप ही करूँगा। मैं बस एक ही बल्लेबाज ले रहा हूँ, एंगल ब्रेज मुझे बस एक ही सही लग रहा है। ठीक है, विकेट कीपर में एक सही लग रहा है, बैटिंग सेक्शन में एक सही लग रहा है, इसलिए बस विकेट कीपर में एक, बैटिंग सेक्शन में एक। अब चलते हैं सीधे ऑलराउंडर्स में। तो भाई ऑलराउंडर्स में आ गया हूँ, बात की जाए कौन कौन खेलने वाला है, तो बेस्ट डी लीडे लोगन वेनविक, कोली नेकरमन, डेविड विली, मोइन अली, लिविंगस्टोन। यार सेम कुरियन को बिठा के इनने बहुत बड़ी गलती करी है, बहुत बड़ी गलती करी इनने इंग्लैंड वालों ने। वो बंदा बैटिंग भी करता था, बॉलिंग भी करता था, कहीं भी कहीं से भी विकेट निकाल के देता था, कहीं से भी रन मार के देता था, पर उसी को मौका नहीं मिल रहा है। सेम कुरियन ने जिसने T20 वर्ल्ड कप जिताया, ODI वर्ल्ड कप जिताया, उसी को बिठा के रख रहे हैं। वाह यार इंग्लैंड वालों, मानना पड़ेगा बहुत दोगले हो, सेम कुरियन के साथ में दोगला ही चल रही भाई। वो IPL में महंगा बिक गया था ना, जलन है सबको यार भाई, सेम कुरियन से जलते हैं। चलो ठीक है यार, सेम कुरियन मेरे लड़के के जैसा दिखता है, पृथ्वीज के जैसा, बिल्कुल सेम टू सेम। तो भाइयों सेम कुरियन खेलेगा तो ले लेना, 20 टीम में ले लेना अगर खेलेगा तो, क्योंकि देखो भाई दोनों ही टीमें बाहर हैं, तो हो सकता है एक्सपेरिमेंट कर लें, जिन प्लेयर्स को मौका नहीं मिला है वर्ल्ड कप में उनको मौका दे दें। बाकी एस जुल्फिकर हो सकता है इस मैच में रेस्ट मिल जाए इसको, क्योंकि लास्ट मैच इसलिए खेला था क्योंकि सामने वाली टीम में राइट हैंडर्स ज़्यादा थे अफगानिस्तान में, इसलिए खेला था और मैंने लिया भी था, विकेट भी निकाल के दिया था। बाकी वो लखनऊ की पिच थे, ये महाराष्ट्र की पिच है, लेकिन आज दिन में स्पिनर्स को टर्न मिलता है, नाइट में भी मिल जाता है, विकेट स्लो हो जाता है। चलो बात की जाए भाइयों ऑलराउंडर्स में किसको लेना है, क्यों लेना है। देखो भाइयों डिसाइड करेगा ऑलराउंडर्स में कौन सी टीम पहले बॉलिंग करती है, ठीक है, तब किसको लेना है। तो एक ऐसा प्लेयर जिसको मैं दोनों ही कंडीशन में लूँगा, उसका नाम है डेविड विली, क्योंकि देखो भाई फर्स्ट इनिंग में ये डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करता है, पावर प्ले में गेंदबाजी करता है, सेकंड इनिंग में ये पावर प्ले में अंडर लाइट में गेंदबाजी करता है, साथ में बीच में ही अपना स्पेल खत्म कर देता है, सेकंड इनिंग में भी इंपॉर्टेंट, साथ में फर्स्ट इनिंग में भी इंपॉर्टेंट, तो दोनों ही कंडीशन में इंपॉर्टेंट गेंदबाज इंग्लैंड की तरफ से, साथ में ये बैटिंग भी कर लेता है, और मुझे लग रहा है इंग्लैंड के विकेट इस मैच में जाएंगे, तो डेविड विली आपको इस मैच में रन भी बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। डेविड विली तगड़ा बल्लेबाज, तगड़ा गेंदबाज, डेथ ओवर का गेंदबाज, लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज, स्विंग इसके पास सब कुछ है इसके पास। डेविड विली इस मैच में इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है, CVC बनाने के लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। अब और किसको लूंगा, तो भाइयों अब मैं लूंगा ऐसे एल्वेन विक को। क्यों लूंगा, क्योंकि देखो भाइयों इसका भी सीन वही है, फर्स्ट इनिंग में डेथ ओवर्स में गेंदबाजी, पावर प्ले में गेंदबाजी, मेन गेंदबाज, सेकेंड इनिंग में पावर प्ले में अंडर लाइट में गेंदबाजी करेगा, काम आपका हो जाएगा, क्योंकि अंडर लाइट में एक दो विकेट गिर ही जाते हैं कोई भी टीम के। ठीक है, और इंग्लैंड का फॉर्म देख रहे हो कितना ज़बरदस्त चल रहा है, तो लोगन वेनविक के खाते में आज विकेट आने के पूरे पूरे चांसेस है दोनों ही इनिंग में। साथ में बंदा बैटिंग भी करता है, राइट हैंडर है, सामने वाली टीम में लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है तो स्पिन का खतरा नहीं है,
भाई वेटिंग से भी तगड़ा इस मैच में आपको काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो लोवन वेन विक इस मैच में वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, मेरी टीम में रहने वाला है दोनों ही कंडीशंस में। अब एक ऑलराउंडर और कोलिन एकरमन, इसको भी मैं लेने वाला हूँ। वो इसलिए क्योंकि देखो भाइयों, इंग्लैंड की टीम में मोइन अली, डेविड मिलान, बेन स्टोक्स, डेविड विली लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो लेफ्ट हैंडर्स के सामने ही तो कोलिन एकरमन बॉलिंग डालता है, साथ में राइट हैंडर बल्लेबाज। इंग्लैंड की टीम में नहीं है कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो बैटिंग से भी इम्पोर्टेंट, साथ में बॉलिंग से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, तो कोलिन एकरमन को भी मैं लेने वाला हूँ। बाकी भाइयों बेस्ट डी लीडे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा तब जब नीदरलैंड की टीम पहले बॉलिंग करे, तो उस कंडीशन में तो आप इसको 20 टीम में ले लो अगर नीदरलैंड की टीम पहले बॉलिंग कर रही है, और 10-15 टीम में सीबीसी भी कर दो अगर नीदरलैंड की टीम पहले बॉलिंग कर रही है। अब बोलो तो भाई ऐसा क्यों, ये तो बता दो। तो भाई इसके पीछे ये रीज़न है कि ये आपको 40 से लेके 50 ओवर तक के बीच में 5 ओवर बॉलिंग करके देगा, डेथ ओवर्स में बॉलिंग करके देगा फर्स्ट बॉलिंग में। तो फर्स्ट बॉलिंग का जबरदस्त गेंदबाज बासडिल लीडे, साथ में राइट हैंडर है इस मैच में, इंग्लैंड से राइट हैंडर मुझे नहीं लगता कि जल्दी आउट हो पाएंगे, तो आपको बेस्ट डील लीडे इस मैच में रन भी मारता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी हाल फिलहाल के लिए मैं ले रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई पता चल रहा है पहले बैटिंग में रन मार दे और एक हाथ विकेट मिल जाए सेकेंड इनिंग में भी, अंडर लाइट में बॉल स्विंग होती है ना, लेकिन आता बहुत लेट है, 20वें 21वें ओवर में आता है ये, इसलिए फर्स्ट बॉलिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी हाँ, बैटिंग से दोनों कंडीशन में चल सकता है, बैटिंग फर्स्ट में भी सेकेंड बैटिंग में भी, क्योंकि राइट हैंडर है और खेलता अच्छा है। अभी तक के शुरू में चला था, फिर उसके बाद से एकदम फीका हो गया, लास्ट मैच में मैंने भी ड्रॉप कर दिया था, फ्लॉप भी चला गया था, लेकिन आज के मैच में मैं लेने वाला हूँ। दोनों ही कंडीशन में इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेस्ट डी लीडे को लेने वाला हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीवीसी बनाने के लिए तब जब बॉलिंग करती है नीदरलैंड की टीम पहले। ठीक है, तो बेस्ट डी लीडे का मैंने आपको बता दिया। बाकी भाई मोइन अली को ड्रॉप करो, बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि बॉलिंग इस मैच में आपको ज़्यादा ओवर करता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि नीदरलैंड की टीम में लेफ्टी नहीं है, पूरे के पूरे राइट हैंडर्स हैं, तो मोइन अली ज़्यादातर आउट करता है लेफ्ट हैंडर्स को, पता चल रहा है इस मैच में बॉलिंग भी ना डालें, और क्या है कि लेफ्ट हैंडर है और सामने वाली नीदरलैंड की टीम में दो दो ऑफ स्पिनर गेंदबाज है, कोलिन एकरमन और आर्यन दत्त, पता चल रहा मोइन अली आपको जल्दी से आउट होता हुआ दिखाई दे दे, बॉलिंग करेगा नहीं। लेकिन लास्ट मैच में इंग्लैंड के सामने क्या हुआ था मालूम है, बॉलिंग से कुछ नहीं करा, 3 कैच पकड़ लिए, बैटिंग पर रन ठोक दिए, तो अनप्रिडिक्टेबल भी हो सकता है, जैसे कल थोड़ा शतक अनप्रिडिक्टेबल था भाई, हम जैसे एक्सपर्ट जो होते हैं ना भाई कैसे लेंगे जो, देखो भाई मैं तुक्केबाज नहीं हूँ, तुक्केबाज लोग क्या करते हैं सिलेक्शन देख के ले लेते हैं। अब क्या है, मुझे क्लियर दिख रहा था कि भाई अफगानिस्तान में राइट ही ज़्यादा बॉलिंग नहीं डालेगा मैक्सवेल, सेकेंड इनिंग जब बैटिंग आएगी तो नूर अहमद है, राशिद है, मुजीब है, स्पिन के खिलाफ फंसता है, फंसा भी था, बस कैच ही नहीं पकड़े, एम्पायर ने आउट दिया, थर्ड एम्पायर ने बॉल ऊपर करके दिखा दी, तो यार वैसे इस वर्ल्ड कप में अंदर की बात बताऊं, बहुत गंदगी चल रही है, बहुत ज़्यादा गंदगी चल रही है इस वर्ल्ड कप में, वो ऐसी गंदगी चल रही है, देखा होगा आपने विराट कोहली को महाराज ने आउट कर दिया था, क्लियर एज लगा था, अल्ट्रा एज में दिख भी गया, लेकिन वहाँ पर इतनी मक्कारी हुई कि वो नॉट आउट। ठीक है, वहाँ पे डिकॉक बेचारा रो दिया कि यार भाई ये तो सारा सर नाइंसाफी हो रही है, बेमानी हो रही है, तो विराट कोहली को जीवन दान। फिर क्लासेन बैटिंग पे आया, जडेजा की बॉल आउटसाइड लेग में गिर रही है, तो भाई ऐसी बॉल जाने की जगह पे वो ऐसी दिखा रहे हैं, आउटसाइड लेग में बॉल गिरी वहीं पर नॉट आउट हो गया था वो, तो मतलब इस वर्ल्ड कप में थोड़ा सा गंदगीपना ज़्यादा चल रहा है। मैथ्यूज को देखो कैसा आउट दे दिया, मतलब एम्पायरो ने भाई, एम्पायर लोग बिके हुए हैं, खरीद लेते हैं एम्पायरो को जाके, हाँ भाई कितने का चेक बना दूँ, बस उतने में काम हो जाता है। तो कल जैसा अनप्रेडिक्टेबल हो गया, पता चल रहा है मोइन अली राइटिव का आउट कर रहा है, पता चल रहा है रन भी ठोक रहा है, लेकिन चलने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं ड्रॉप करूँगा। ठीक है, बात की जाए लिविंग स्टोन की, तो भाई लिविंग स्टोन को आप इसमें जो है ट्राई कर सकते हो, ग्रेल्डिक की एक अच्छी पिक है, खासकर जब इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करे, ध्यान रखना अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो लिविंग स्टोन आपको अच्छे खासे रन बनाता हुआ दिखाई देगा, बाकी सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को टर्न भी मिलता है, तो हो सकता है आपको सेकंड इनिंग में अच्छे खासे विकेट निकाल के दे दें, बाकी आप चाहो तो इसको फर्स्ट बॉलिंग में भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखो धूप की वजह से स्पिनर्स को टर्न मिलता है, तो ये एक अच्छा स्पिनर है, लेग स्पिनर है, ऑफ स्पिन भी डालता है, लेग स्पिन भी डालता है, राइट ही लेफ्टी दोनों को ही आउट करता है, वैसे नीदरलैंड की टीम में ज़्यादा राइट हैंडर्स हैं, तो
राइट हैंडर्स के विकेट ले सकता है अपनी लेग स्पिन में, क्योंकि मोइन अली ज़्यादा इस मैच में बॉलिंग डालेगा नहीं, तो उसके ओवर काट के यहाँ से लिविंगस्टोन आपको डालता हुआ दिखाई देने वाला है। ठीक है भाइयों, तो लिविंगस्टोन का बता दिया, बाकी एस जुल्फिकर को आप इस मैच में ट्राई कर सकते हो, लेकिन भाइयों ज़्यादा गेंदबाजी करता नहीं है, पर हाँ ऑलराउंडर है और इंग्लैंड की टीम में वैसे राइट हैंडर्स भी हैं, बटलर है, बेरेस्टो है, रूट है, लिविंगस्टोन है, वॉक्स है, तो राइट हैंडर्स भी हैं, तो हो सकता है भाई उनके विकेट जुल्फिकर ले जाए, पर चांसेस थोड़े कम है कि इस मैच में खेलता हुआ आपको दिखाई दे। तो जुल्फिकर को चाहो तो ट्राई भी कर सकते हो ग्रैंड लीग की टीम में, पर मैं अभी ड्रॉप ही कर रहा हूँ, लिविंगस्टोन को अभी नहीं ले रहा हूँ, पर हाँ ले सकता हूँ किस कंडीशन में आगे बताऊँगा आपको। अब चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में, बॉलिंग सेक्शन में आ गया हूँ भाइयों, बात की जाए कौन कौन खेलने वाला है, तो भाइयों बताता हूँ आपको, चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ, ठीक है, रोज क्वेश्चन पूछता हूँ, बॉलिंग सेक्शन में सबसे पहले किसको लूँगा, ठीक है, तो आज भी क्वेश्चन पूछूंगा, बता दो भाई सबसे पहले बॉलिंग सेक्शन में किसको लूँगा कमेंट करके, और कमेंट कर दो तो एक लाइक भी ठोक देना, वीडियो पे लाइक अच्छे आते हैं मतलब ग्रैंड लीग विनिंग हो जाती है, ठीक है, तो लाइक में कंजूसी नहीं करना, ऊपर वाला सब देख रहा है, लाइक ठोकोगे ग्रैंड लीग विन करोगे, जो लाइक ठोकता है वही ग्रैंड लीग जीतता है, क्योंकि मेरी वीडियो देख के आए दिन हर बंदा ग्रैंड लीग जरूर जीतता है, और मैंने आजमाया है कि जिस बंदे ने लाइक ठोका है वही बंदा ग्रैंड लीग जीतता है, तो लाइक ठोकने में कंजूसी मत करना, ऊपर वाला सब देखता है, ठीक है, भले मैं देखूँ ना देखूँ और ऊपर वाला सब देखता है। तो पहले तो बात कर ली जाए भाइयों बॉलिंग सेक्शन में खेलने वाला कौन कौन है, आदिल राशिद, पॉलवेन मिक्रेन, मार्क वुड, रिलोफ वांडर मार्वे, क्रिस वॉक्स, आर्यन दत्त, ये सब आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, बाकी भाइयों इस मैच में एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, बाइडन कार्स को इस मैच में खिलाया जा सकता है, पता चल रहा है इस मैच में आर क्लेन को मौका दिया जाए, पता चल रहा है इस मैच में के क्लेन को मौका दिया जाए, हो सकता है एक्सपेरिमेंट करें दोनों की दोनों टीमें, लेकिन क्या है कि इंग्लैंड को ये मैच जीतना थोड़ा सा ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है, उसके लिए फिर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, फिर क्वालिफायर मुकाबले खेलना पड़ेंगे इंग्लैंड को, तो हो सकता है कि इंग्लैंड वही अपनी स्ट्रॉन्ग लाइनअप के साथ में आए, बाकी नीदरलैंड भी यार देखो जीतने के लिए खेलेगी, वो बेचारे सेमीफाइनल फाइनल का तो सोच के आते नहीं है, वो यही सोच के आते हैं कि हमारे सामने जो भी आएगा उसको हम हरा देंगे, बस कोई सा भी मैच हरा देंगे, तो हो सकता है नीदरलैंड भी आपको सेम टीम से ही इस मैच में खेलता हुआ दिखाई दे, एक हाथ चेंज हो सकता है, जुल्फिकर की जगह पे कोई एक चेंज हो सकता है। ठीक है भाइयों, तो अब बात की जाए कि बॉलिंग सेक्शन में मैं लेने वाला किसको हूँ, तो भाइयों देखो ये डिसाइड करेगा कौन सी टीम पहले बॉलिंग करती है या फिर कौन सी टीम पहले बैटिंग करती है, उस पर डिसाइड करेगा, मतलब टॉस के ऊपर डिसाइड करेगा कि मैं किन गेंदबाज को किन कंडीशन में लूंगा, बाकी हाँ दोनों ही कंडीशन में भी मैं ऐसे गेंदबाज है जिनको मैं कंफर्म लेने वाला हूँ, एक दो चलो वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बता दो कि सबसे पहले बॉलिंग सेक्शन में मैं किसको लूँगा, भाई जिसका आंसर सही निकलता है ना ज़्यादातर ग्रैंड लीग्स वही विन करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बता देते हैं कि हाँ भाई इसको, तो फिर वो उनको टीम में ले लेते हैं, और वो जिसको मैं सबसे पहले लेता हूँ बॉलिंग सेक्शन में वो 105% ड्रीम टीम में आता ही आता है, तो जल्दी बताओ कमेंट करके कि भाई ये सबसे पहले बॉलिंग सेक्शन में मैं किसको लेने वाला हूं, हो गई कमेंट, अब एक लाइक ठोकना मत भूलना, लाइक भी ठोक दो जब कमेंट कर दिए तो, ठीक है भाइयों, तो हो गया होगा आपका लाइक कमेंट, अब मैं आपको बता देता हूं कि मैं सबसे पहले लेने वाला किसको हूं, तो भाइयों सबसे पहले लेने वाला हूं मैं, बता दूं, चलो बता देता हूं, अब आप बोलोगे भाई ये तो यार आपने बताया नहीं यार भाई यार, चलो मैं आपको बता देता हूँ भाइयों, सबसे पहले मैं लेने वाला हूँ इस मैच में आर्यन दत्त को, अब बोलोगे भाई आर्यन दत्त को क्यों लिया है, देखो भाई बेन स्टोक, डेविड वलान, मोइन अली और कौन है लेफ्टी, डेविड विली, तो भाई वो लेफ्टी ज़्यादा है, आर्यन दत्त आपको पूरी बॉलिंग करके देगा 10 ओवर, साथ में राइट हैंडर बल्लेबाज है, नीदरलैंड के विकेट तो जाएंगे और ये बैटिंग अच्छी कर लेता है, ऑलराउंडर है, तो देखो बॉलिंग से चलने के चांसेस पूरे पूरे, मलान, बेन स्टोक्स, मोइन अली, डेविड विली, चार लेफ्टी है, चार में से दो ही आ जाए तो बहुत है, एक भी आ जाए तो बहुत है, बाकी काम आपको बैटिंग से करके दे देगा, बाकी मिडिल ओवर डालता है, किफायती बॉलिंग करता है तो आपको ER के मिडिल ओवर के पॉइंट मिलेंगे,
तो सबसे पहले आर्यन दत्त को लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, सिलेक्शन सिर्फ 23%, मस्ट है भाई, इसको मत छोड़ना, ठीक है। ये भी कंफर्म प्लेयर है आज मेरा, आर्यन दत्त। बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, बहुत तगड़ा गेंदबाज है, खासकर उस दिन चलता है जिस दिन सामने वाली दूसरी टीम में लेफ्ट हैंडर्स हो, और इंग्लैंड में तो है यार, हो सकता है सेम कुरियन भी खेले इस मैच में, तो एक और लेफ्टी बढ़ जाएगा, तो क्या समझ रहे हो। रूट भी वो स्पिन पे आउट हो रहा है अभी, तो भाई आर्यन दत्त फर्स्ट बॉलिंग में तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि धूप की वजह से स्पिनर्स को टर्न मिलेगा, बाकी फर्स्ट बैटिंग में भी इम्पोर्टेंट रहेगा। पता चल रहा है आपको 50 रन ही मार के देते, और सेकंड इनिंग में विकेट भी ले ले, तीन तीन चार चार या फिर एक हाथ भी ले ले, तो काम हो जाएगा। तो आर्यन दत्त भाइयों सबसे पहले लेने वाला हूँ। अब बता देता हूँ और किसको लेने वाला हूँ, तो भाइयों यहाँ से मैं क्रिस वोक्स को लेने वाला हूँ। क्रिस वोक्स यार भाइयों, पहले तो ऐसा होता था कि इसका 40 ओवर से पहले स्पेल ही खत्म कर देता था बटलर या फिर मॉर्गन, पर अब क्या है ना इस वर्ल्ड कप में ये हो रहा है कि इसके 2 ओवर बचा के रखता है बटलर, 48वां और 50वां ओवर डलवाता है इससे। तो डेथ ओवर से फर्स्ट बॉलिंग में आपको करता हुआ दिखाई देगा बॉलिंग, बाकी सेकेंड इनिंग में ये पावर प्ले में बॉलिंग डालता हुआ दिखाई देगा, मतलब पावर प्ले और डेथ ओवर। तो टीम का मेन गेंदबाज अभी क्रिस वोक्स है, मार्क वुड से भी ज्यादा मेन गेंदबाज अभी क्रिस वोक्स है, डेथ ओवर्स में फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कर रहा है, बाकी पावर प्ले में का तो वो स्पेलिस्ट है, क्या बोलते हैं यार, एक कुछ दूसरा वर्ड होता है, पावर प्ले का स्पेशलिस्ट गेंदबाज है ये, ठीक है। क्रिस वोक्स क्या करता है, 7 ओवर डालता है ये पावर प्ले में। तो भाई अगर अंडर लाइट में गेंदबाजी कर रहा है तो स्विंग कितनी खतरनाक मिलेगी, बाकी ये ग्राउंड खुला हुआ है, तो हो सकता है फर्स्ट इनिंग में भी इसको स्विंग मिल जाए अच्छी खासी, और प्लस क्या है कि फर्स्ट बॉलिंग में डेथ ओवर्स में भी तो बॉलिंग डाल रहा है, प्लस भाइयों बैटिंग भी तो तगड़ी कर रहा है। तो क्रिस वोक्स आर्यन दत्त से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है इस मैच में, ठीक है। तो क्रिस वोक्स को भी दोनों ही कंडीशन में लेके चलना है, सेकेंड इनिंग में अंडर लाइट में गेंदबाजी करेगा, फर्स्ट इनिंग में डेथ ओवर में पावर प्ले में गेंदबाजी करेगा, मतलब विकेट आने के पूरे पूरे चांसेस है इसके पास में, क्रिस वोक्स के पास में। तो क्रिस वोक्स को मैं लेने वाला हूँ भाइयों, ठीक है। अब और किसको लेने वाला हूँ उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो भाइयों अब मैं लेने वाला हूँ यहाँ से रिलोफ वांडर मार्व को। अब बोलोगे भाई इसको क्यों ले रहे हो, तो भाइयों देखो उसका रीजन ये है कि ये है लेफ्ट आर्म स्पिनर, और साथ में ये बैटिंग भी अच्छी करता है, राइट हैंडर बल्लेबाज है, इंग्लैंड के खिलाफ राइट हैंडर ही तो रन बना रहे हैं, तो पता चल रहा है आज रिलोफ वांडर मार्व रन मार रहा है। ये बॉलिंग सेक्शन में दिख रहा है आपको, ये ऑलराउंडर प्लेयर है, ध्यान रखना, ये बैटिंग भी करता है बॉलिंग भी करता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और इंग्लैंड की टीम में रूट, बटलर, बेरिस्टो, लिविंगस्टोन, क्रिस वॉक्स तो राइट हैंडर्स हैं, तो उन राइट हैंडर्स के विकेट रिलोफ वांडर मार्व ले सकता है। सिर्फ 16% सिलेक्शन है, बैटिंग भी करता है, और ये नीदरलैंड की टीम में खेल रहा है, साउथ अफ्रीका से खेल चुका है, तो भाई ये तगड़ा है, इसको एक्सपीरियंस है, पुराना चावल है, बहुत पुराना खिलाड़ी है। इस मैच में इसका मैचअप भी अच्छा है, और भाई फर्स्ट इनिंग में तो स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, बाकी फर्स्ट बैटिंग में भी आपको रन बनाता हुआ दिखाई दे सकता है, और सेकंड इनिंग में पता चल रहा है राइट हैंडर्स के विकेट ले जाए, ठीक है। तो रिलोफ वांडर मार्वे को इसको भी आपको दोनों ही कंडीशन में लेके चलना है। बाकी भाइयों एक प्लेयर पे मुझे आज डाउट है, उसका नाम है आदिल। आदिल पे क्यों है डाउट, क्योंकि आदिल के मैंने देखा है रिकॉर्ड ज़्यादातर लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट ज़्यादा अच्छे हैं, तो आदिल क्या करता है लेफ्ट हैंडर्स को ज़्यादा आउट करता है, तो समझ में आया, लेफ्ट हैंडर्स के विकेट चटकाएगा तो नीदरलैंड की टीम में लेफ्टी है ही नहीं है। पर हाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि फर्स्ट बॉलिंग में सूरज निकलेगा तो पिच रहेगी ड्राई, तो फर्स्ट बॉलिंग में ये आपको कहीं ना कहीं से एक हाथ दो विकेट निकाल के दे ही देगा, क्योंकि धूप की वजह से स्पिनर्स को टर्न मिलता है, और ये फर्स्ट बॉलिंग में ही ज़्यादा विकेट ले रहा है इस वर्ल्ड कप में, और मैंने हर मैच में लेके दिया है जब भी इंग्लैंड ने पहले बॉलिंग करी है। क्यों चटका है इसने विकेट, क्योंकि धूप की वजह से स्पिनर्स को टर्न मिलता है ड्राई विकेट पे, तो फर्स्ट बॉलिंग में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिर लेफ्टी राइटी मत देखना, विकेट इसको मिल जाएगा, बाकी ये रन भी बना देता है, इंग्लैंड के फिर से विकेट चले गए तो आपको चौके छक्के भी मार के दे देगा। दड़ियल बहुत खतरनाक है, ध्यान रखना, बॉलिंग भी बैटिंग भी दोनों ही अच्छी करता है, 10 ओवर हमेशा गेंदबाजी करता है, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करता है फर्स्ट बॉलिंग में, तो ध्यान रखो आदिल राशिद फर्स्ट बॉलिंग में तो इंपॉर्टेंट है, बाकी चाहो तो सेकेंड बॉलिंग में भी आप ट्राई कर सकते हो, वो इसलिए क्योंकि
पता चल रहा फर्स्ट बैटिंग में रन मार दे और सेकंड इनिंग में क्या है कि इंग्लैंड ने अच्छा स्कोर बना दिया और नीदरलैंड ढेर हो गया। और नीदरलैंड की कमजोरी है लेग स्पिन, जंपा ने चार निकाले थे, फिर उसके बाद में एक और स्पिनर ने विकेट निकाले थे, तो वही हो नीदरलैंड की कमजोरी है स्पिन, तो आदिल राशिद को मैं इसलिए ले रहा हूँ। ठीक है, बाकी हाँ इसके लेफ्ट हैंडर्स के अगेन रिकॉर्ड अच्छे हैं, पता चल रहा फ्लॉप हो गया, ये हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर ये लेफ्ट हैंडर्स को आउट करता है, जैसे कि जंपा कल सिर्फ एक ही मिल पाया, मैंने बताया था भाई। ठीक है, शायद ही या फिर अकरम अली खेल को लेगा, तो शायद ही पहले ही चला गया, अकरम अली खिलाया नहीं तो जंपा को सिर्फ एक मिल पाया, तो सेम इसका भी वही सीन है, ये भी ज़्यादातर लेफ्ट हैंडर्स को आउट करता है, तो हो सकता है कि भाई लेफ्टी है ही नहीं नीदरलैंड में तो विकेट लेस चला जाए, पर मैंने बता ही दिया आपको किस कंडीशन में चल सकता है, तो मैं लेके चल रहा हूँ। अब भाइयों देखो, ये जो 10 प्लेयर हैं ये मेरे कंफर्म प्लेयर हैं, ठीक है। अब जो एक प्लेयर होगा, सिर्फ आपको एक प्लेयर पर रिस्क लेना है, ये जो 10 प्लेयर हैं ये मेरे कंफर्म है, ये मेरे 20 टीम में रहने वाले हैं ये जो 10 प्लेयर हैं, ठीक है। हो सकता बाल्टी लिडे पर रिस्क ले लूं, उसको हटा के किसी और को ले लूं, खासकर जब जब नीदरलैंड की टीम पहले बैटिंग करे तो मैं हो सकता बाल्टी लिडे को हटा दूं, बाकी नो तो कंफर्म रहेंगे ही रहेंगे, बाकी हो सकता भाई बाल्टी लिडे के साथ में भी मैं चला ही जाऊं क्योंकि राइट हैंडर है, हो सकता रन मार के दे दे भले विकेट ना चटकाए, बाकी पहले बॉलिंग करती नीदरलैंड की टीम तो बाल्टी लिडे को सीवीसी बना लेना, इतना इंपॉर्टेंट। तो भाइयों 10 प्लेयर मैंने आपको लेके बता दिए, अब बचा सिर्फ मेरा एक प्लेयर, तो एक प्लेयर बता देता हूं किस कंडीशन में लूंगा, समझा देता हूं। अगर इंग्लैंड की टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो भाई मार्क वुड को आग बंद करके मेरे कहने पर 20 टीम में ले लेना, इंग्लैंड की टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो मार्क वुड को 20 टीम में लेना है, ध्यान रखना, ठीक है। इंग्लैंड की टीम सेकंड बॉलिंग में है तो चाहो तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो रिस्क लेके, क्योंकि सेकंड बॉलिंग में ज़्यादा ये इफेक्टिव रहता नहीं, क्योंकि आता कब है जब डेविड विली और वो अपना क्रिस वॉक्स पूरा निचोड़ चुके होते हैं, और हो सकता है भाई पूरा नीदरलैंड ही ढेर हो जाए पावर प्ले में और मार्क वुड के खाते में अंडा ले जाए, ठीक है। तो सेकंड बॉलिंग में रिस्की, पर हाँ फर्स्ट बॉलिंग में ये बंदा डालता है डेथ ओवर्स में गेंदबाजी, तो मार्क वुड समझ गए ना कब चलेगा फर्स्ट बॉलिंग में। तो इंग्लैंड अगर बॉलिंग कर रही है तो मैं सीधे मार्क वुड को ले लूंगा, इंग्लैंड अगर पहले बैटिंग कर रहा है तो मैं यहाँ से लिविंग स्टोन को ले लूंगा, समझ गए क्या करूंगा। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं मार्क वुड को रख रहा हूँ, ठीक है। पहले बॉलिंग करते इंग्लैंड तो भाई सीवीसी भी बना लेना मार्क वुड को आज के मैच में, इसके पास में पेस है, गति है और डेथ ओवर का गेंदबाज है, समझ गए इतना। तो भाई ये है मेरी टीम, यही मेरी ग्रैंड लीग की टीम, यही मेरी स्मॉल लीग की टीम, थोड़ा बहुत चेंज करके एक हाथ दो प्लेयर चेंज करके भाई ग्रैंड लीग विन कर सकते हो आप आज के मैच में भी, यही करते हैं बंदे बस, मेरी टीम में एक हाथ दो चेंज करके दो दो करोड़ रुपए उठाते हैं, यकीन नहीं है भाई मेरी, आप सारी वीडियो देख लो लाइन से, हर वीडियो में विनिंग प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम पे आके देखो बैक टू बैक, बस कल का मैच छोड़ के बाकी सारे मैचों के रिजल्ट देख लो, कल मेरा प्रेडिक्शन पूरा सही था, बस क्या है ना कि वो यार मैक्सवेल को जीवनदान मिल गए तीन चार, मैंने बोला था स्पिनर की बॉल पे जाएगा, स्पिनर की बॉल पे वो तीन बार गया लेकिन तीन बार कैच छूट गए और एक बार आउट हुआ तो उसको LBW आउट नहीं दिया एम्पायर ने, तो कल का मैच मेरा खराब गया, क्योंकि भाई देखो जब मैच फिक्सिंग होगी इसका काम होगा तो फिर कैसे विन होगा। तो कल का मैच तो यार भाई देखो मक्कारी हुई थी कल के मैच में, मैं आपको क्लियर बता दूं, जब वो LBW आता ना नूर अहमद की बॉल पे तो उसको ऊपर करके दिखा दिया भाई, इतना वहाँ पे उछाल है ही नहीं है पिच पे, तो इतने ऊपर बॉल कैसे जा सकती है, वो भी स्पिनर की, फास्ट बॉलर है क्या वो। तो भाई कल के मैच में गंदगी हुई, बाकी कैच भी छोड़े उसके, हो सकता अफगानिस्तान वाले बिक गए हो या फिर संदेशा आया हो भाई, ठीक है। तो वो चीज़ें तीन चार कैच छोड़ दिए मैक्सवेल के और एक बार ने कारिस्तानी कर दी। तो कल का मैच तो यार भाइयों बहुत अच्छा था, पूरा प्रेडिक्शन परफेक्ट गया था, अफगानिस्तान पूरा जीत रहा था, मैं भी पूरा जीत रहा था, बोर्नर हेड मैंने फ्लॉप बोले थे फ्लॉप गए थे, और भी मतलब जिन प्लेयर का बोला था सब फ्लॉप गए थे, जिसका बोला था वो चले थे, बस वो जो मैक्सवेल को ज़्यादा जीवनदान दे दिए ना तो उससे अफगानिस्तान भी हारा मैं भी हारा। तो कल का मत देखना, बाकी उसके पहले बैक टू बैक सारे मैचों के रिजल्ट देख लो आप मेरे टेलीग्राम पे आके, यकीन नहीं है परसों का रिजल्ट देखना, माय 11 सर्कल पे मेरा बंदा थार बाई स्मार्ट टीवी 27 लाख सबसे बड़ी ग्रैंड लीग जिताई थी बांग्लादेश के मैच में,
उससे पहले इंडिया के मैच में जिताई भाई, मतलब क्या बोलूं यार, जितने वर्ल्ड कप के मैच हुए हैं ना, कल का मैच छोड़ के सारे मैचों में आप मेरे रिजल्ट देख लो टेलीग्राम पे आके, तबीयत मस्त हो जाएगी। बाकी हाँ, प्राइम मेंबरशिप का बता रहा था भाई, कल मैंने ऑफर भी दिया था, प्राइम डिस्काउंट ऑफर दिया था, उसमें काफ़ी सारे बंदों ने प्राइम लिया, काफ़ी सारे बच्चे बंदे बच गए ऐड होने के, क्योंकि यार भाइयों टीम चालू टीम तो काम कर रही थी, पर क्या है ना, आप इतने सारे थे कि पूरे ऐड नहीं हो पाए थे एक दिन में। तो अगर रह गए हो आप ऐड होने के, तो भाई टेंशन मत लेना, व्हाट्सअप नंबर मेरा वही है 9131658484, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर लेना, आपको ऐड कर दिया जाएगा अगर आप ऐड होने के रह गए हो तो। ठीक है, प्राइम मेंबरशिप का क्या रहता है बता देता हूँ मैं आपको भाइयों। प्राइम मेंबरशिप में आपको मेरी ग्रैंड लीग की टीम्स मिलेगी, प्राइम ग्रुप में जो भी मैच मैं खेलता हूँ सबकी ग्रैंड लीग टीम, स्मॉल लीग टीम, बाकी हाँ ये शारजा दुबई के मैच होते हैं ये मैं प्राइम में कवर करता हूँ, तो इसकी भी आपको प्राइम ग्रुप में टीम्स मिलेगी। ठीक है, और क्या बोलते हैं बाकी भाइयों, वर्ल्ड कप बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, मेरे प्राइम मेंबर्स ही ज़्यादातर मैचों में ग्रैंड लीग्स में टॉप कर रहे हैं, तो आप चाहो तो प्राइम के लिए भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल मेरा सिर्फ एक ही है, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, ध्यान रखना। इसके अलावा मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और बता भी देता हूँ आपको, 9131658484। ज़िंदगी में कभी भी प्राइम लेना है या फिर आज ही प्राइम लेना है तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर लेना। बाकी हाँ, ध्यान रखो कि भाइयों मेरे नाम से फ्रॉड भी बहुत होता है, मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको बता ही दिया, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, मैं कभी किसी को मैसेज नहीं करता हूँ, मेरे डीपी लगा लगा के लोग क्या फ्रॉड करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं और सबको मैसेज कर करके बोलते हैं मैं सोमेश ठाकरे हूँ, इतना करवा दूंगा उतना करवा दूंगा, तो उनसे बच के रहो भाई। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं किसी को मैसेज करूँ, तो ये चीज़ ध्यान रखो। अगर आप लोग मैसेज करोगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे, तो व्हाट्सअप नंबर भी टेलीग्राम में, टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है भाइयों, डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा आपको। बाकी भाइयों आज की वीडियो में इतना ही, अब मैं आपको डायरेक्ट CVC बना के बता देता हूँ, और बाकी मेरी जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करना मत भूलना। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर इस वर्ल्ड कप में अभी भी बहुत सारे मैच बाकी है, आप भी अगर 2 करोड़ रुपये विन करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। भाई आप तो मेरे आगे टेलीग्राम पर रिजल्ट देखो, बस कल का छोड़ के बाकी सारे मैचों के देख लेना, कल का मैच खराब हुआ क्यों हुआ बता दिया ना। बाकी भाइयों अब मिलेंगे सीधे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी मैं CVC आपको बना के बता दूं। तो भाइयों देखो, अगर नीदरलैंड की टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो मैं बोलूंगा बाल्टी लीडे को आप CVC बना लो अपना, इंग्लैंड की टीम बॉलिंग कर रही है तो आप चाहो तो यहाँ से डेविड विली को बना लो, ठीक है, चाहो तो मार्क वुड को बना लो, अगर इंग्लैंड की टीम बॉलिंग कर रही है चाहो तो वोक्स को बना लो, पर आप दोनों ही कंडीशन में एक प्लेयर को और बना सकते हो जिसका नाम है लोगन वेनविक। ये आपको सेकंड इनिंग के पावर प्ले में गेंदबाजी करके देगा, साथ में ये आपको फर्स्ट इनिंग में दे तो उसमें गेंदबाजी करके देगा, तो इसलिए मैं सी बना रहा हूँ, साथ में राइट हैंडर है और इनकी टीम में कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है, तो बैटिंग से भी अच्छा काम करके दे सकता है। बाकी मैं वॉइस कैप्टन डेविड विली को बना रहा हूँ, आप चाहो तो बाल्टी लीडे को भी कर देना, अगर नीदरलैंड पहले बॉलिंग कर रहा है तो सी भी बना सकते हो बाल्टी लीडे को, चाहो तो क्रिस वोक्स को भी बना सकते हो, पर मैं डेविड विली को बना रहा हूँ। तो भाइयों ये है मेरी टीम, ठीक है, एक हाथ कुछ चेंज करूंगा, अगर आप भी भाई देखो होता क्या है ना, मेरी सेम टीम मत लगा लेना बिल्कुल, कॉपी पेस्ट मत कर लेना, उससे होगा क्या, आप तो जीतोगे साथ में, आपके साथ में 1 लाख लोग और जीत जाएंगे। थोड़ा थोड़ा चेंज करो मेरी टीम में, रिजल्ट देखो आप, रिजल्ट देख के मजा नहीं आया ना तो फिर बोलना, यही करते हैं बंदे इसलिए तो जीतते हैं, मुझसे अच्छी टीम बना लेते हैं एक चेंज करके, दो चेंज करके, तो चेंज जरूर कर लिया करो मेरी टीम में, क्या है कि उससे आपका क्लेश भी नहीं होगा, 2 करोड़ रुपए भी आप अकेले ही उठाओगे, ठीक है, ग्रेड लीग में टॉप अकेले करोगे, साथ में आपके कोई होगा नहीं, हाँ भले एक रिस्क रहेगा, आपका रिस्क रहेगा, आपको जो अच्छा प्लेयर लगता है वो एक प्लेयर एक दो चेंज कर लिया करो मेरी टीम में। बाकी तो मैं आपको सब समझा ही चुका हूँ कि किस कंडीशन में किसको लेना है, कौन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, अब मिलेंगे सीधे नेक्स्ट वीडियो में, और चलो दो कॉम्बिनेशन और बना के रखे थे मैंने वो भी दिखा देता हूँ। देखो ये वाली टीम नीदरलैंड की बॉलिंग करती है, उस टीम उस कंडीशन में अगर नीदरलैंड की टीम पहले बॉलिंग कर रहा है तो इस कंडीशन में आपको ये टीम बनाना है, अगर इंग्लैंड पहले बॉलिंग कर रहा है तो आपको ये टीम बनाना है। समझ गए, सब कुछ बता दिया, समझ गए, बाकी आप मिलेंगे सीधे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाइयों।
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना। अब मिलेंगे सीधे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो, ढेर सारी आज आपकी विनिंग्स हो।